الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا ابن عبد الله العربي الحاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. हर चीज़ को नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में लाने वाले एक अकेले मालिक की हमद व सना बयान करते हैं. हर मखलूक के एक अकेले खालिक की बुजुर्गी और उसके सबसे आला और अल अजीम होने का एतराफ़ करते हैं. बेशक वो मालिक गीले की भी हर चीज़ को देखे, सूखे की भी हर चीज़ से वाकिफ, अंधेरे की भी उसे खबर, उजाले की भी हर चीज़ उसे मालूम, अपनी हर मखलूक से इंतहाई करीब वो, इसलिए कि जिस मखलूक में उसने लाइफ डाली है वो आई हुई है उसी की तरफ से. यकीनन उस मालिक का उसकी हर मखलूक से हॉट कनेक्शन बना हुआ है. हम इंसानों से भी वो इंतहाई करीब है, लिहाजा जो रब एक इंसान की रगे जान से भी ज़्यादा उससे करीब, जो उसके जज्बात और एहसासात तक को जानता हो, क्या उस रब को पाने के लिए किसी सहारे, किसी वसीले और किसी के सदके तुफेल की ज़रूरत भी पड़ सकती है? मुझे ये बात हमेशा याद रहे कि उसकी वहदानियत के इकरार सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़बान से ही ना हो, बल्कि मेरे अमल में आना चाहिए कि मैं एक सुपर सुप्रीम पावर से डरता हूँ. उसे पता होता है चाहे चुपके से मैं कोई बात करूँ, चाहे मैं अलल ऐलान कोई बात करूँ. उसे मालूम होता है चाहे मैं अंधेरे में रहूँ या उजाले में. उसे पता होता है कि मैं मजमे में क्या करता हूँ. उसे मालूम है कि मैं अकेले में क्या करता हूँ. मेरे हर हाल से मेरा रब वाकिफ, हर मखलूक से वाकिफ. अब उससे डरना चाहिए, उसका खौफ आना चाहिए, और अगर खौफ की वो कैफियत पैदा नहीं होती तो वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम, बात सिर्फ हमारी ज़बान तक रहेगी, हमारे दिलों में उतरेगी नहीं. मुझे ये भी एहसास रहे कि बेशक मेरा रब वो है जिसने न सिर्फ मुझे पैदा किया बल्कि मेरी हर हर ज़रूरत की चीज़ को मौजूद रखा इस दुनिया में, जो मेरी हर ज़रूरत से वाकिफ. बेशक अपनी एक एक ज़रूरत के लिए मैं मोहताज हूँ उसका. सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि यसअलो मन फिस समावाति वल अर्ध कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, आसमान और ज़मीन और पूरी कायनात में जो कोई भी है वो सब अपनी एक एक ज़रूरत के लिए अपने एक अकेले मालिक के आगे ही सवाली, भिकारी और ज़रूरतमंद है. और हर ज़रूरत से पाक वो मालिक हर मखलूक की ज़रूरतों को उसके वक्त पर मुहैया करता रहता है. हर पल उसकी एक अलग ही शान हमें दिखाई देती है. वह ऐसी आला शान वाला कि लैसा कमिस्ले ही शई, उसके जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, ना कोई उसका शरीक, ना कोई उसका वारिस. जो चीज़ भी है वो बगैर किसी पार्टनरशिप के सिर्फ और सिर्फ उसी की है. न सिर्फ वो चीज़ उसकी है बल्कि वह इम शैन इल्ला इंदना खजाइन हो, उसके पास तो हर चीज़ के ख़जाने हैं. मखलूक को नवाजने पर उसके ख़जानों में रत्ती भर भी कमी नहीं होती. यकीनन हर एक को देने वाला वो एक अकेला मालिक ही है. कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताई रब्बिक व मा काना अताउ रब्बिक महजूरा, हर एक को हम ही नवाज रहे हैं, उन्हें भी जिन्होंने अपना टारगेट और मकसद दुनिया को बना रखा है, और उन्हें भी हम ही नवाज रहे हैं जिन्होंने अपना टारगेट और मकसद आखिरत को बनाया हुआ है. ये तो तुम्हारे रब की बख्शिश और अता है, और तुम्हारे रब की नवाजिश बख्शिश और अता किसी के लिए रोकी नहीं जाती. लेकिन ये बात भी हर एक को याद रहे कि मनकान युरीदुल आजलत अज्जलन लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद तुम मजअलन लहू जहन्नम यसलाहा मज़मूमम मदहूरा, जिस किसी का टारगेट और चाहत जल्द हासिल होने वाली दुनिया हो तो हम उसे वो दुनिया देते हैं, लेकिन जितनी हम चाहते हैं और जिसके लिए हम चाहते हैं, फिर हमने उसके लिए जहन्नम तैयार रखी है जिसमें वो जलील और ख़ौर होकर धक्के देकर डाल दिया जाएगा.
इसके बरखिलाफ वमन अरादल आखरत वसअलहा सअयहा वहुवा मुमिन फौलाइक कान सअयुहुम मशकूरा। जिस किसी का टारगेट और चाहत आखरत हो और आखरत के हिसाब से वो कोशिशें भी करता हो और अपने ईमान पर पूरी ईमानदारी से कायम भी रहता हो, तो इस तरह के लोगों की कोशिशों की अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर की जाएगी। यहाँ दो आयतों के सेट में एक अहम नुक्ता ये समझ में आता है कि दुनिया के लिए सिर्फ अरादा लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया, लेकिन आखरत के लिए अरादा के साथ सआलहा सआयहा भी कहा। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि दुनिया के लिए मेहनत मजदूरी करनी ही नहीं चाहिए, कोशिशें करनी ही नहीं चाहिए। इसलिए कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमें दो वक्त की रोटी भी बगैर मेहनत के मिल नहीं सकती, लेकिन हमें लगता है कि दुनिया में रब की नवाजिश का फ़ैसला उस रब का खुद का है। अगर कोई सिर्फ दुनिया की ही चाहत रखता हो तो ज़रूरी नहीं कि उसकी चाहत पूरी ही हो जाए, क्योंकि हमें चाहत तो हर एक की ये होती है कि उसके पास दुनिया के हर ऐशो आराम हो। लेकिन ये तो रब का फ़ैसला है कि मा नशाउ लिमन नुरीद, किसको देना है और कितना देना है। रब ने फरमाया नहनु कसम न बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में हम ही इंसानों के दरमियान उनकी मईशत की तकसीम करते हैं। ज़ारतल हयातद दुनिया लिनफ्तिनहुम फी, याद रहे ये सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी की चमक दमक और अट्रैक्शन है जिसके ज़रिए हम इंसानों को आज़मा रहे हैं। लिहाजा वला तमुद्दन्ना ऐनैक इला मा मत्तअन बिही अज़्वाजन मिनहुम, अल्लाह ने दुनिया में जो कुछ भी दूसरों को दे रखा है उस तरफ ललचाई और हसरत भरी नज़रों से मत देखना, वरना एहसास महरूमी और डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हो। हाँ वसअलुल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह के फजल के सवाल ही तो बने ही रहना है। लेकिन हम इंसानों का मामला यह है कि जब रब ताला किसी को दुनिया से नवाजता है तो दुनियावी नेमतें मिलने पर इंसान की सोच ये होती है कि इन्नमा उती तो अला इल्मिन इंदी, ये सब मुझे मेरे इल्म की बुनियाद पर मिला है, मैं रब की नज़र में पसंदीदा हूँ। फयाकूल रब्बी अकरमन, मेरे रब ने मुझ पर बड़ा करम किया, मुझे बाइज्जत बना दिया, और भूल जाता है कि ये तो उसकी आजमाइश के लिए है। हम देखते हैं कि कभी कभी इंसान को उसकी मेहनत के अलावा भी बगैर मेहनत के उसके वालदैन की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से या उसके स्पाउस की तरफ से भी बहुत कुछ मिल जाता है। ये तो रब का फ़ैसला है। बेशक दुनिया में अगर माँ बाप बहुत अमीर हों या स्पाउस के ख़ानदान वाले बहुत अमीर हों तो इंसान को दुनियावी नेमतें तो हासिल हो जाती हैं, लेकिन आखिरत के ताल्लुक से चाहत के साथ साथ कोशिश का लफ्ज़ भी अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है। दुनिया तो बगैर मेहनत के शायद मिल भी जाए, लेकिन आखिरत बगैर कोशिश के सिर्फ चाहत पर मिलने वाली नहीं, ना ही कहीं पैदा हो जाने पर मिलने वाली है या किसी के साथ जुड़ने पर भी मिलने वाली नहीं। इसके लिए तो हर एक को कोशिश करनी ही पड़ेगी, और कोशिश भी वही करनी होगी जो अल्लाह की किताब के मुताबिक हो। इसलिए कि रब का फरमान ये है लैस बि अमानीकुम वला अमानी अहलिल किताब मन यामल सूअन युज़ बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलियन वला नसीरा। मुसलमानों, ना तो तुम्हारी तमन्ना और ख्वाहिशों पर जन्नत मिलने वाली है, ना ही अहले किताब की तमन्ना पर। जो कोई भी बुरा अमल करेगा वो उसकी सज़ा पाकर रहेगा, और अपने लिए अल्लाह के अलावा उसे ना कोई वली मिलेगा और ना ही कोई मददगार मिलेगा। इसलिए कि दुनिया की तरह आखिरत में ना तो माँ बाप की तरफ से कुछ मिल सकता है, ना ही स्पाउस की तरफ से, ना ही औलाद की तरफ से, भले ही वो नेकियों में कितनी ही मालामाल क्यों ना हो। उस दिन तो हाल ये होगा यौम यफिरुल मरउ मिन अखीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनी लिकुल इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युग्नी। क़यामत के उस दिन इंसान अपने भाई बहन, अपने माँ बाप, अपने स्पाउस और अपने बच्चों तक से दूर भागेगा, इसलिए कि हर शख्स को उस दिन अपनी ही पड़ी होगी जो उसे चैन नहीं लेने देगी। क़यामत के उस दिन के ताल्लुक से हमें हमारे रब ने पहले ही आगाह कर दिया कि या अय्युहन्नासु तक्कू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज़्ज़ी वालिदुन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िनुन वालिदिही शैया इन्ना वअदल्लाहि हक
फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। और इंसानों, अपने रब को जवाब देने के एहसास के साथ तकवे वाली ज़िंदगी गुजारो और क़यामत के उस दिन से लरस जाओ जिस दिन कोई वालिद अपनी औलाद के कुछ काम नहीं आएगा, ना ही औलाद अपने वालिद के कुछ काम आने वाली। याद रखो, बेशक अल्लाह का वादा अपने वक्त पर हक होकर रहता है, लिहाजा तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी की चमक जमक धोखे में ना रखे, ना ही कोई धोखेबाज तुम्हें अल्लाह के ताल्लुक से धोखे में रखे। तौहीद, वननेस ऑफ कमांड, आखिरत की जवाबदेही का एहसास, सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी और अमल सॉले मॉरलिटी, ये वो तालीमात थी जिनकी दावत हर नबी और रसूल ने अपने अपने दौर में दी। लिहाजा आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पिछले नबियों और रसूलों की ही तालीमात को आगे बढ़ाने का हुक्म अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब में ये कहकर दिया, अमलम युनब्बा बिमा फ़ी सुहफ मूसा व इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा अल्लाह तज़रु वाजरतुम विज़रा उख़रा वअन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ वअन सअयहु सौफ़ युरा ثم يجزاه الجزاء الاوفى। क्या तुम्हें खबर नहीं कि मूसा को दिए गए सहीफ़ों में क्या था और इब्राहिम को दिए गए सहीफ़ों में? वो इब्राहिम जिन्होंने वफा के तमाम तकाज़ों को पूरा किया। उन सब में यही तालीमात थी कि कोई किसी के दूसरे के गुनाहों का बोझ उठा ही नहीं पाएगा, और बेशक इंसान को वही मिलेगा जिसके लिए उसने कोशिशें की होगी, और बेशक उसकी कोशिशों को भी जांचा और परखा जाएगा, और फिर उसे उसकी कोशिशों का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। आखिरत की जवाबदेही के एहसास के तहत किए हुए आमाल ही इंसान को जहन्नम से बचा सकते हैं। अब मुझे चाहिए कि मैं अपने आमाल को नबियों और रसूलों की सुन्नत के मुताबिक ढालने की कोशिश करूँ, क्योंकि नबी और रसूल ही हमारे आइडियल होने चाहिए, और यकीनन उनकी तरह का अखलाक और किरदार ही आखिरत की कामयाबी दिला सकता है। हमारे रब ने फरमाया, मन युतिर रसूल फ़कत अता अल्लाह वमन तवल्ला फमा अरसलना का अलैहिम हफीज़ा। जो कोई भी रसूल की इताअत में उनके बताए रास्ते पर चलेगा तो गोया उसने अल्लाह की बात को माना, और जो नबी की इताअत से मुँह मोड़े तो ऐ नबी, हमने आपको उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा है। बेशक सारे अहकामात अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही हमें अता फरमाए अपनी नूरानी किताब में, जो आज भी अपनी असल शक्ल में बहिफाजत मौजूद है। फिर आखिर क्या वजह है कि एक अल्लाह, एक नबी और एक किताब को मानने का दावा करने वाले हम जैसे लोग इतने फ़िरकों में बट चुके हैं कि दीन की असल गुम होकर रह गई है? दीन की असल अगर मिल सकती है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की किताब से ही मिल सकती है। ढूंढना चाहिए हमें हमारे असली दीन को, ढूंढना चाहिए हमें कि हमारे रब का तारुफ क्या है, पता करना चाहिए हमें अल्लाह की किताब के कि हमारे साथ कल क्या मामला पेश आने वाला है, क्योंकि एक ज़बरदस्त कल इस दुनिया पर आने वाला है जो पूरी कायनात को अपने चपेट में ले लेगा। ला तातीकुम इल्ला बख्ता, अचानक कयामत की घड़ी वारिद होकर रहेगी, किसी को फुर्सत नहीं मिलेगी वसीयत करने की, किसी को फुर्सत नहीं मिलेगी वापस जाने की, कोई भाग नहीं सकेगा, कोई छुप नहीं सकेगा, कोई किसी चीज़ को छुपा नहीं सकेगा, किसी को फुर्सत नहीं मिलेगी ईमान लाने की, किसी को फुर्सत नहीं मिलेगी अपने ईमान में कुछ नेकी कमाने की। वबरजू लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, हाजिर कर दिए जाएंगे सबके सब एक अकेले वाहिदुल कहार मालिक के सामने हिसाबदही के लिए। उस आने वाले कल को आज हमें रियलाइज़ करना होगा, उसके लिए आज और अभी से तैयारी शुरू करनी होगी, इसलिए कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो हमें दोबारा समय दे सके। लिहाजा अमल के लिए हमारे पास सिर्फ हमारी मौत तक का ही समय है, और हमें पता नहीं कि हमारी मौत कब आएगी। और अगर हम इस इम्तिहान में फेल होते हैं तो हमेशा हमेशा का नुकसान हमारे हाथ आएगा। ये दुनिया और इसकी ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान की मोहलत है, इसकी नाकदरी नहीं करते हुए अपनी ज़िंदगी को रब की रज़ा वाले कामों में गुजारना होगा, सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारना होगा, रब के कलाम से अपने रिश्ता जोड़कर उससे हिदायत लेनी होगी, रब की बनाई हुई दुनिया और उसके बाशिंदों के लिए रहमत बनना होगा,
रब इन कोशिशों में हमारी मदद फरमाए, हमारी कोशिशों को कबूल कर ले, जहन्नम से आज़ादी हमें इनायत कर दे, तो ही हमें आखरत की लाजवाल कामयाबी हासिल हो सकती है। बारकल्लाहु लना वलकुम फिल कुरान अलअज़ीम व नफ़ाना व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्र अल हकीम इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम अकूलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। صلی علی جميع الانبیاء والمرسلین وعلى الملائكة المقربين وعلى اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ازواج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اهل بیت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى جميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم انك انت سميع مستجيب الدعوات ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون।